एक बड़ी अपडेट, इजरायली नागरिक अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ होने लगे हैं। मीडिया सर्वे के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ज़ायनिस्ट देश के लिए खतरनाक है। दावा है कि इजरायल की चैनल 13 ने यह सर्वे किया है। 52% नागरिकों ने नेतन्याहू को इजरायल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। सीक्रेट जानकारी लीक होने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ अपने देश में विरोध बढ़ने लगा है। 60% लोगों ने योव गैलेंट को अच्छा डिफेंस मिनिस्टर माना, तो वही 14% लोगों ने नए रक्षा मंत्री कार्ड्स को बेहतर बताया। नेतन्याहू ने बीते दिनों योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। योव गैलेंट को पद से हटाने पर इजरायली सड़कों पर उतरे। तेल अवीव, हाइफा और अलकुद्स में प्रदर्शन भी देखा गया। एक बड़ी अपडेट, इजरायली नागरिक अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ होने लगे हैं। मीडिया सर्वे के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ज़ायनिस्ट देश के लिए खतरनाक है। दावा है कि इजरायल की चैनल 13 ने यह सर्वे किया है। 52% नागरिकों ने नेतन्याहू को इजरायल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। सीक्रेट जानकारी लीक होने के बाद नेतन्याहू के खिलाफ अपने देश में विरोध बढ़ने लगा है। 60% लोगों ने योव गैलेंट को अच्छा डिफेंस मिनिस्टर माना, तो वही 14% लोगों ने नए रक्षा मंत्री कार्ड्स को बेहतर बताया। नेतन्याहू ने बीते दिनों योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। योव गैलेंट को पद से हटाने पर इजरायली सड़कों पर उतरे। तेल अवीव, हाइफा और अलकुद्स में प्रदर्शन भी देखा गया।